अपने यहां के टेलीविजन चैनल्स के ड्रामे देखते हो, कहीं अदब नजर आता है? लगता है अदब मरकर गल चुका है। लगता है अदब मरकर गल चुका है, और इसी वजह से ऑक्सफोर्ड वालों ने अदीबों को मरगला में ठहराया है। मेरा एक काम तुमको करना होगा। इदारे के सरबरा अरशद मियां से कह देना, इस फेस्टिवल में इकबाल पर, इकबाल की शायरी पर, इकबाल के फलसफे पर और इकबाल के ख्वाब पर कोई बात न करे। बस मुझे माफ रखे, जब कौम ऐसी है तो फिर उसका कौमी शायर कैसा होगा। सब मुझे सदी का नंबर वन शायर कहते हैं, उनसे कहो कहना छोड़ दें। अपने रब की कसम, मैंने खुद को कभी नंबर वन शायर नहीं कहा। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम लोग नंबर वन बन जाओ। मगर तुम लोगों ने मेरी मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। यहां आदम खाकी से मेरी मुराद फौज नहीं है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। दूसरे मुल्कों के इंसान चांद पर उतर रहे हैं, तुम लोग ईद बकरीद रमजान का चांद देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। जो लोग चांद को देखते हैं उनको अपना कमरबंद नजर नहीं आता, तो चांद क्या नजर आएगा। अट्ठारह मौलवियों में से 11 के कमरबंद कुर्ते से नीचे लटकते नजर आते हैं। मैंने हजार बार कायद से कहा, कसम खुदा की ये ख्वाब मैंने नहीं देखा। कायद ने 10,000 बार मुझसे कहा, अल्लामा ये पाकिस्तान मैंने नहीं बनाया था। 72 बरस बाद अब हर लीडर ये कह रहा है, हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान को अपना बना ले और कायद और इकबाल को भूल जाए।